गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज दीपक चौहान। दोस्तों, आज मैं आपके सामने दीपेश झा का एक डाउट लेके आया हूं। दीपेश झा ने मुझे दो दिन पहले क्वेश्चन किया था कि सर, इम्यून टू से रिलेटेड कोई वीडियो बनाइए, और इम्यून टू का इस्तेमाल कैसे करेंगे, उसका अर्थ क्या होता है और उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा। तो दीपेश झा और मैं बाकी व्यूअर्स से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखें और इसके स्ट्रक्चर को समझिए और ये पता लगाइए कि इम्यून टू आखिर है क्या, इसका इस्तेमाल कैसे होता है और इसमें कौन सा स्ट्रक्चर यूज किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, स्पीकिंग में तो काम आता ही आता है और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी कई बार नो एरर में या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाता है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि प्लीज आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और जहां भी डाउट होगा उसे नोट कर लेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। और आखिरी में मैं आपसे कुछ सवाल करने वाला हूं, इससे रिलेटेड नहीं है सवाल, लेकिन ग्रामर से रिलेटेड है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको काम आएगा और उसके जवाब में अंत में दूंगा। तो दोस्तों, बीच में वीडियो नहीं छोड़ेंगे, अंत तक वीडियो को देखेंगे। तो चालू करते हैं आज का टॉपिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इम्यून टू। इम्यून टू का मतलब होता है प्रोटेक्टेड अगेंस्ट, किसी के खिलाफ बचा होना, प्रोटेक्टेड अगेंस्ट, नॉट अफेक्टेड, अप्रभावित, अनअफेक्टेड भी कह सकते, नॉट अफेक्टेड, बचा हुआ, अछूता या अप्रभावित, ये कह सकते हैं हम लोग। तो इम्यून टू, इम्यून एक एडजेक्टिव है, एक विशेषण है, इम्यून टू एक विशेषण है, इसलिए हम लोग इसके पहले इजेमार का इस्तेमाल कर सकते हैं और आप चाहे तो इसको सिम टू बी से भी बना सकते हैं। तो दोस्तों चालू करते हैं। इम्यून टू के पहले इजेमार आएगा हाई बोलने पर, हा बोलने पर वाजवर आएगा और होगा होगी बोलने पर विल बी शेल भी आएगा, मतलब टू बी हेल्पिंग अप आएगा। आप लोग सिम टू बी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सिम टू बी का मतलब होता है दिखाई पड़ना या लगना, यस। और इसके बाद या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा, प्रोनाउन भी आ सकता है क्योंकि हम लोग किसी व्यक्ति से भी अप्रभावित हो सकते हैं, किसी व्यक्ति से, किसी व्यक्ति से बचे हुए हो सकते हैं, तो प्रोनाउन भी आ सकता है। और वर्ब आएगा तो आईएनजी फॉर्म में आएगा, वर्ब आईएनजी फॉर्म में आएगा जो नाउन का काम करेगा उसको हम लोग जेरंड कहते हैं, ये आपको पता है। तो दोस्तों चालू करते हैं, सिम टू बी भी लगा सकते हैं। तो कैसे होगा ये हम लोग एक एक चीज ध्यान देते हैं। तो दोस्तों प्लीज वीडियो को नहीं छोड़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पीकिंग करने में बहुत काम आता है। तो दोस्तों लिखा हुआ है कि नन इज इम्यून टू हर चार्म्स, उसके आकर्षण से कोई अछूता नहीं है, उसका आकर्षण इतना बहुत जबरदस्त है कि उससे कोई अछूता नहीं है, सब लोग उसके आकर्षण की ओर प्रभावित होते हैं, सब लोग उसके आकर्षण की ओर बढ़ जाते हैं। और क्या आप समझदार हैं, मैं बोलूंगा नहीं, आगे बढ़ते हैं। देखो इम्यून टू हर चार्म्स कहा गया है। आई एम इम्यून टू योर क्रिटिसिज्म, आई एम इम्यून टू योर क्रिटिसिज्म, इसको इम्यून इम्यून दोनों कह सकते हैं हम लोग, मैं तुम्हारी बुराई से अप्रभावित हूं, मुझे तुम्हारी बुराई से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आई एम अनअफेक्टेड, आपको जो करना करें मैं अपना काम करूंगा और मुझे मालूम है मैं सही काम कर रहा हूं, तो आई एम इम्यून टू योर क्रिटिसिज्म। या अब दोस्तों ये आप लोग कर लेंगे, मैंने कुछ सेंटेंस और दिए हैं इसका हम लोग देखते हैं, पता लगाते हैं। इवन गांधी जी वॉज नॉट इम्यून टू मेकिंग मिस्टेक्स, गांधी जी भी गलती करने से अप्रभावित थे, मतलब वो गलती करते थे, बचे हुए नहीं थे। इवन गांधी जी वॉज, गांधी जी भी, इवन यानी भी हो रहा है, गलती करने से बचे हुए नहीं थे, यानी वो भी गलती करते थे, यानी हर इंसान गलती करता है, टू एयर इज ह्यूमन, गलती इंसान से ही होती है। देखिए वर्ब एनजी आ रहा है, यानी कि वर्ब आ रहा है, इसे हमने वर्ब एनजी लगाया। आगे बढ़ते हैं, द वैक्सीनेशन विल मेक अस इम्यून टू दिस डिसीज, क्या मतलब हो रहा है, द वैक्सीनेशन विल मेक अस इम्यून टू दिस डिसीज, यानी जो टीकाकरण है, टीका यहां जो लगता है ना, यहां भी लगता है और भी जगह लगता होगा, तो टीकाकरण है वो हमें इस बीमारी से बचाएगा, विल मेक अस इम्यून, हमें इम्यून करेगा, हमें बचाएगा इस बीमारी से। तो प्रोटेक्टेड अगेंस्ट, उसके खिलाफ बचाएगा हमें, प्रोटेक्ट करेगा हमें। या आई एम नॉट इम्यून टू देम, मैं उनसे अप्रभावित नहीं हूं, आई एम नॉट इम्यून टू देम, या I am not immune to them.
मैं उनसे अप्रभावित नहीं हूं, यानी कि प्रभावित हूं. अ ब्यूटिफुल गर्ल सेज यू सीम टू बी इम्यून टू मी, तुम मुझसे अप्रभावित लगते हो. यू सीम टू बी इम्यून टू मी मतलब मुझसे प्रभावित नहीं हो, अप्रभावित लगते हो. मतलब मैं इतनी सुंदर लड़की हूं, मुझे देखकर तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस अपने काम में लगे रहते हो. तो दोस्तों, हम भी जब कोई अच्छा काम करते हैं तो हमको भी इम्यून टू बैड थिंग्स. वैसे लड़की बैड थिंग्स नहीं होती है, बहुत सुंदर अच्छा है, उससे हमें प्रेरणा मिलती है. लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो हमें हमें हमारे ध्यान से भटकाते हैं, जो हमें गलत दिशा की ओर लेके जाते हैं, उनसे हमें इम्यून होना चाहिए, हमें उनके प्रति इम्यून होना चाहिए, ये मैं कहूंगा मैं. लेकिन ये लड़की एक मजाकिया वे में कह रही है कि यू सीम टू बी इम्यून टू मी. या आखिरी वाला, वी शुड बी इम्यून टू ऑल एविल्स. हमें सभी बुराइयों से इम्यून होना चाहिए, हमें सभी बुराइयों के खिलाफ इम्यून होना चाहिए. यानी क्या होना चाहिए? नॉट अफेक्टेड होना चाहिए, हमें अप्रभावित होना चाहिए, उससे प्रभावित नहीं होना चाहिए. दैट्स ऑल दोस्तों, ये टॉपिक था. मुझे उम्मीद है मिस्टर दीपेश झा आपको समझ में आ गया होगा, और काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है. इसका आप स्ट्रक्चर देखिए, समझिए, और जहां इसके बावजूद भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइएगा, उस कमी को दूर करने की मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा जब मुझे समय मिलेगा तब. ओके दोस्तों, अब कुछ क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं. इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, ध्यान देते, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन. डू एज डायरेक्टेड. पहला है यू डैश अ प्रोनाउन. यू डैश अ प्रोनाउन, यहां पर आपको हेल्पिंग ऑफ लिखना है. इज आएगा, वाज आएगा, आर आएगा, केन आएगा, क्या आएगा बताइएगा. आई डैश अ वोवेल. यूज हेल्पिंग वर्ब, किसी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है. ही इज अ टीचर, इसको परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट बनाना है. ही इज अ टीचर का प्रेजेंट परफेक्ट बना के बताइए मुझे, मैं आपके कॉमेंट बॉक्स को चेक करूंगा, फिर मैं आपको जवाब दूंगा. यू एंड आई, एम गोइंग, आर गोइंग, लिख के बताना है. ही एज वेल एज आई, एम गोइंग, इज गोइंग, आर गोइंग, लिख के बताना है. ये पांच सवालों के जवाब देना है दोस्तों. तो मुझे उम्मीद है, अब मैं थोड़ा सा साइड में हट जाता हूं, आप इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए. तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पीकिंग में तो काम आता ही आता है, कॉम्पिटिटिव ग्रामर्स के लिए भी बहुत जरूरी है. तो धन्यवाद, आपने मेरे इस वीडियो को अंत तक देखा, और इसके बावजूद भी आपको डाउट है तो प्लीज आप मुझसे क्वेश्चन करके पूछिए, और प्लीज आप अपने डाउट पूछना बंद ना करें, मैं उसका वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा. और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, और वीडियो को लाइक तो करेंगे करेंगे आप, और नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए. बहुत जल्द मिलेंगे इसी प्रकार की नई कोशिश के साथ, नए प्रयोगों के साथ, और आपके डाउट्स के साथ. दोस्तों बने रहिए, और कल संडे है, आज सैटरडे है, अब पता नहीं मैं वीडियो में कब अपलोड करता हूं, तो आप देख लीजिएगा. हैप्पी संडे, थैंक यू वेरी मच, बाय.